हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने एक सीरीज़ देखी जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। आज है 18 अगस्त और नेटफ्लिक्स पे सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है गन्स एंड गुलाब। दोस्तों, राज और डीके का नाम आपने सुना होगा। द फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज, थांसू वेब सीरीज बनाने वाले, और फर्जी, सोर इन द सिटी, गो गो वागान जैसी फिल्में बनाने वाले, 99 जैसी फिल्में बनाने वाले, तो उनकी फिल्मों का एक अलग क्लास है। उनकी फिल्मों में एक अलग झलक दिखती है कि ये राज एंड डीके स्टाइल है। हमें गन्स एंड गुलाब 90 के दशक में ले जाती है। ऐसा लगता है कि हम कोई 90 के दशक की फिल्म देख रहे हैं या सीरीज़ देख रहे हैं। वही स्टाइल की जैसा कि 90 के फिल्मों में होता था, लंबे लंबे बाल और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी 90 के दशक वाला। खास करके उस वक्त मैम का गाना रंबा हो बहुत ही खूबसूरत। और जिन चार लोगों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है, जिसमें आदर्श गौरव, गुलशन देवैया, राजकुमार राव और दुलकर सलमान। तो दुलकर सलमान का रोल जो है एक पुलिस वाले का जो है, जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। राजकुमार राव का किरदार बहुत ही अच्छा लगा, जो उनका एक ऐसा किरदार है कि जो किसी का कत्ल करना हो तो वो पाना से करते हैं, तो उनका नाम ही है टीपू पाना। गुलशन देवैया के किरदार का नाम है फोर कट आत्माराम, मतलब चार कट आत्माराम। किसी के शरीर में भी चार जगह पे वो कट मार के उसका काम तमाम कर देते हैं। आदर्श गौरव जो है सतीश कौशिक के बेटे बने हैं। सतीश कौशिक का नाम गंची रखा गया और उनके बेटे का नाम छोटा गंची। तो छोटा गंची एक तरह से भी अपने पिता के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा है। और बाकी जो है सीरीज में कुछ भी ज़्यादा बताना स्पॉइलर होगा। बाकी बहुत ही खूबसूरत ढंग से फिल्माई गई है, लोकेशंस भी बहुत अच्छे हैं। ख़ास तौर से जो है आपको लगेगा कि अमिताभ बच्चन की फिल्म देख रहे हैं, मिथुन दा की फिल्म देख रहे हैं, या जो 90 के दशक में अपराध या क्राइम को लेकर के, या उसमें लव स्टोरी का एक एंगल भी दिखता था। तो सब कुछ मिला करके बहुत ही अच्छी फिल्म है और हर एक किरदार की अपनी एक कहानी है, उसके हिसाब से उसकी एंडिंग ही वैसी है। और एक दो एपिसोड थोड़ा सा आपको जो है लगेगा कि हाँ थोड़ा सा हम बोर हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद कहानी दर बदर आपके सामने खुलती जाती है। 7 एपिसोड में ये आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगी, और जिसको अदर कहीं से भी देखना है तो वो देख सकते हैं। फिलहाल मैंने अभी इसको नेटफ्लिक्स पे डाउनलोड करके देखा है और आपके सामने मैं रिव्यू कर रहा हूँ। फिल्म की कहानी को सीता मेनन ने लिखा है। सीता मेनन इससे पहले शोर इन द सिटी, गो गो वागान जैसी फिल्में लिख चुकी हैं और उनकी काफ़ी भरोसेमंद राइटर हैं। और पंकज कुमार की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है, मतलब उनके तो आप, मैं उनको एक काम बता दूं, उन्होंने तुम्बाड़ फिल्म की भी सिनेमेटोग्राफी की थी। क्या कमाल की लाइटिंग का काम किया था। तुम्बाड़ फिल्म में कोई उस तरह की लाइटिंग नहीं थी, उसमें नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करके उन्होंने उस फिल्म को बनाया था। सेम वैसी ही कमाल की लाइटिंग दिखती है, अच्छे अच्छे शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको सिनेमेटोग्राफी की समझ है। बाकी स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, पटकथा बहुत अच्छी है, संवाद भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे, 90 के दशक की याद दिलाएंगे। कुछ जगह तो ऐसा लगेगा कि हाँ हम कोई माफिया वाली फिल्में देख रहे हैं, जो पहले मिथुनदा बनाते थे कि मैंने तुम्हारे बच्चे किडनैप कर लिया है, माल लेके वहाँ चले आना, काली पहाड़ी पे चले आना, इसके टीले पे चले आना, पुराने फैक्ट्री में चले आना, पुरानी हवेली में चले आना। ऐसे से टाइप्स के संवादों से भरी हुई ये सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। और राज और डीके का जादू एक बार फिर से चल गया। मुझे इंतज़ार है कि वो जल्दी से सिटाडेल नाम की सीरीज भी लेकर के आए, जिसमें वो वरुण धवन और समांथा रुथ प्रभु को डायरेक्ट कर रहे हैं। और ये सिटाडेल प्रियंका चोपड़ा की जो सीरीज आई थी उसी का स्पिन ऑफ है और इंडियन वर्जन है। तो इसकी कई स्पिन ऑफ अलग अलग जगह बन रहे हैं, उसमें से ही एक है। तो राज एंड डीके का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया, स्पेशली ये राज एंड डीके की ही सीरीज है। तो आपने नेटफ्लिक्स पे इसको देखा या नहीं देखा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।